Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. कपिला जी, गीत गोविंद के प्रसंग से ही आपने थोड़ी सी मतलब बनारस की चर्चा हुई थी, काशी कह लीजिए, बनारस के वाराणसी की, राय कृष्ण दास जी और राय आनंद कृष्ण जी जो का जो साथ रहा आपका, या उनके निकट आ पाई तो कहीं ना कहीं गीत गोविंद की तरफ झुकाव आपका इन लोगों के कारण भी हुआ, या बनारस के कारण हुआ, बनारस में रहते हुए हुआ। तो कुछ बनारस के बारे में बताइए, क्योंकि आप जिन शहरों में रही हैं देश दुनिया के, उनमें मेरी जानकारी में तो कोलकाता है, काशी है और दिल्ली है ज़्यादा समय, और श्रीनगर वगैरह का जो आपका समय है, पर बनारस वाले समय के बारे में कुछ बताइए। प्यार जी, मुझे ये कहना है कि आपने सही कहा राज साहब और आनंद और चित्रों के विषय में, लेकिन वहाँ जो मेरा केंद्र था, ये ठीक है कि चित्र की शैलियों का और जिसमें भी गीत गो, वहाँ गुरु जी तो वासुदेव जी से जी, और जो भी शोध था वो एक दूसरे स्तर पर और मूर्तिकला पर। तो गीत गोविंद का संबंध डायरेक्टली मैं उस माहौल से कम मेरी स्मृति में नहीं जोड़ती हूँ। गीत गोविंद का कब मिला और आप जी की बात की, वो काफी गुण बनाया करते थे ललित लता का, जैसे मैंने कहा उसका बीज मणिपुर में, और गुरु अमोबी सिंह ने जो श्वेत कमला का पद और हरि रिहे का जो वो प्रयोग से सारा आया, प्रयोग से। लेकिन आपने बात बनारस की जी है, बनारस के बारे में ये कि कलकत्ता दिल्ली, दिल्ली से भाग के बनारस और उसके, और वही जो फिर वासुदेव जी की बात की जाए और जो उन्होंने कहा, तो यूनिवर्सिटी में ज़रा रहना मुश्किल था, हम अमरीका वगैरह से पढ़ के आए थे, यहाँ के माहौल से, तो ये समझ में आया कि हॉस्टल में तो नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद ये कि कहाँ रहें, तो वो कौधुलिया में जी, जो प्रेमचंद जी का था जी, जी। और श्रीपद जी, विशेषकर श्रीपद जी वात्सल्य जी का भी उनके साथ, तो उस घर में, और ऊपर शची रानी जी रहती थी, और जैसे सुना उसने कई कमरे थे, चार मंजिला और बिल्कुल भूतों का घर था वो तो, और उसमें नीचे एक वो प्रेस था उनका, और बाकी के कमरे खाली थे, और तीसरी मंजिल पर शची रानी जी रहती थी, और मुझे एक उन्होंने कमरा दे दिया, और एक ही बल्ब के साथ मेरा पंखा भी चलता था, हीटर भी चलता था, और लेकिन ये भी बनारस था, दशाश्वमेध उससे तो सब। शिवरानी देवी जी की बात कर रही हैं? हाँ सचिव जी, शिवरानी जी जी, मैंने जो प्रेमचंद जी के बारे में सुना उनसे, और सुबह शाम तो उन्हीं के साथ होता था, और उनके हाथ का भोजन भी खाया। मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये तीन चार तरह के बनारस थे, क्योंकि एक जो पंडित मदन मोहन मालवीय और वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद त्रिवेदी की तो बात ही नहीं हुई, जो कि पंडित जी की, और उनसे जो पाया, और भाई नामवर भाई, दूसरा दशाश्वमेध घाट और प्रेमचंद जी। देखिए आप यूनिवर्सिटी से चलिए तो लंका, और उसके बाद फिर बीच की बात थियोसफी सोसाइटी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के सब स्तर आपको वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि थियोसफिकल सोसाइटी बेसेंट स्कूल। उसके बाद आप आते हैं गोधुलिया, गोधुलिया एक तरफ, गोधुलिया जो कि प्रेमचंद, और प्रेमचंद के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, दूसरे तरफ उसी गली से आगे जाके विश्वनाथ की गली, जहाँ की सब लोग, और वहीं से सब दशाश्वमेध घाट और मणिकर्णिका घाट, तो हिंदुस्तान वापस आने का, और लेकिन उससे आगे चलिए आप तो पुराने चौक में, और वो जो वहाँ से कबीर चौराहा, और आगे जाके हरिश्चंद्र हवेली, हवेली और भारतेंदु जी की छठेरी बाजार, उसे छठेरी बाजार से तो कबीर चौराहा, तो यानी कि चार बनारस हो गए, एक पांचवा भी था जिसका कि उस समय इतना संपर्क नहीं है। उसके बाद तो मुझे वो सारनाथ
जी जब बौद्ध संस्थान वहाँ पर स्थापित किया, तो तिब्बतन वाला। अब कबीर चौराहे की बात क्यों करें, क्योंकि वहाँ अच्छन महाराज वाला मामला था जी, तो उसके साथ इन लोगों के साथ संपर्क हुआ, सिद्धेश्वरी जी के साथ, बिस्मिल्ला के साथ, और रसूलन को तो इतना नहीं जानती थी लेकिन हाँ, तो लेकिन ना तो यूनिवर्सिटी वालों को बता सकती थी कि वहाँ जा रही हूँ, ना गौधुल्या वालों की, तो इसलिए आदमी कोई चार पांच जिंदगी एक साथ बिता रहा था। तो इसलिए जो शिक्षा पाई या जो कि दृष्टि या विस्तृत दृष्टि कि भारतीय संस्कृति के इतने स्तर हैं जी, और वो सब और जीवन पद्धतियों जीवन शैलियों की शैलियों में और उनका विरोधाभास आपस में सेतु बनते हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली में ज्यादा समय बीता, दिल्ली के बारे में आप क्या सोचते हो अब और पहले? ओहो दिल्ली का तो अपना ही मजा, और दिल्ली की भी हो और ज्यादा दिल्ली की हो आप जी, पुरानी दिल्ली में और आखिर इंद्रप्रस्थ स्कूल में मैं जामा मस्जिद के अभी उसके 150 साल हुए, कहाँ जामा मस्जिद जी, और उसके वो जो हवेली थी उस हवेली को स्कूल में, वो भी एक कहानी है क्योंकि पुरानी दिल्ली से उस रूप में परिचय रहा है आप? पुरानी दिल्ली और कनॉट प्लेस से जाली वाली बसों में जाने का जी। अच्छा कभी मान लीजिए अनुष्ठानों में या जैसे कई लोग जाते हैं मंदिर में प्रार्थना पूजा करते हैं या कोई भी ऐसा या अनुष्ठानों में रुचि लेते हैं, आपकी रही है कुछ इस तरह की चीज़ें आपके साथ? देखिए मैं गई हूँ लेकिन इसमें ये मानना पड़ेगा कि वहाँ गई हूँ, आस्था से भी गई हूँ, लेकिन जिस ढंग का हिंदू धर्म का एक तरह का ये कि मन्नत मान के या कि वो सब नहीं, क्योंकि वहाँ आर्य समाज का जो संस्कार था वो बड़ा बहुत, मैंने आपसे कहा कि जब मैं पहली बार दक्षिण गई हूँ तो मैंने कहा कि ये सब ये अंधविश्वास वाले उसमें नहीं जाना है, तो उसके प्रति आदर रहा है, उसको सीखने की हुई है अनुष्ठान के साथ, और रिचुअल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडियन, और बृहदेश्वर के ऊपर जो मैंने मल्टीमीडिया बनाया है उसमें उसका स्थान मैं देखती हूँ, लेकिन इस तरह का रिश्ता जिसमें कि मैं मंदिर में जाके और कुछ मांगूं आउट तो ठीक मैं समझ सकता हूँ, ये हमारे गुरुद्वारों से सिख धर्म के प्रति भी आपका कुछ उस तरह का निकट संपर्क रहा कभी? कुछ रहा है अधिक नहीं, अमृतसर गई हूँ लेकिन बचपन में नहीं, इससे कहीं अधिक चर्चेस से रहा है, चर्चेस से रहा है, और मैं क्योंकि कलकत्ते में तो था ही लेकिन यहाँ हर 24 दिसंबर को यहाँ वाले उसमें, और उसका एक दूसरी तरह का है आस्था के स्तर पर नहीं, लेकिन फिर हम कला पर आते हैं जी। मैंने जो रोमन ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो पूरा अनुष्ठान और जो विधि देखी उससे तो मुझे भारतवर्ष और विशेषकर साइप्रस में जो देखा और फिर ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में और रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में रोमन यस, लेकिन अधिकतर ये कहना चाहिए कि कला के स्तर पर ग्रिगोरियन चांट्स अच्छे लगे, लेकिन ये कि किसी भी तरह से धार्मिक उसको कहा जाए वो कहना सही नहीं होगा। अच्छा कपिला जी एक चीज़ और मन में आती है वो ये कि जिससे बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुण देवल, कमला देवी चट्टोपाध्याय, शुभलक्ष्मी, मतलब एक बड़ी रेंज है, परंपरा है इस हमारे समय में 20वीं सदी में विशेष रूप से, एक तरह से आप कह सकते हो कि ये स्त्रियां हैं और कलाकार हैं या अपने अपने ढंग से उनका कोई एक विशिष्ट योगदान है, आप भी उसी परंपरा में आते हो ये सुनकर ही पूछ रहा हूँ, तो कभी ये बात इस तरह भी आपके ध्यान में आती है नॉट एज ए फेमिनिस्ट कि ये जो स्त्रियों का संसार है इन लोगों ने यहाँ हमारे देश में आधुनिक काल में भी ये सब घटित किया, ऐसी कोई चीज़ ध्यान में आती है कि नहीं? बिल्कुल आती है,
जब मेरा इन लोगों से संपर्क हुआ तो तब तो मैं ये कहूँगी कि उस ढंग से बिल्कुल सेल्फ कॉन्शियस तरीके से नहीं आती थी, क्योंकि मेरा इन बाल सरस्वती के साथ बहुत ही मैत्रिता थी और मैं ही उनको लड़ लड़ा के पहले जापान ले गई थी, उसके बारे में मैंने लिखा है, विस्तार से लिखा है। रुक्मिणी देवी का दूसरा एक शिक्षा और फिर थियोसफी के साथ और शुभलक्ष्मी की जितनी यात्रा रही, उधर शांता राव की, और कमला देवी तो मेरे लिए दूसरी माँ थी। और ये जो स्त्रियाँ थीं और उसमें एक ढंग से अपनी माँ को भी और मेरी एक मौसी थी उर्मिला शास्त्री को, निर्मला जोशी जी की बात आपने की, निर्मला जोशी और नहीं उर्मिला शास्त्री जी की मैंने बात की, उनकी पत्नी, उनकी जेल में बहुत उनसे वो किया गया तो उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। ये शरद जो लिखते हैं ना, शरद कुमार, उनकी माँ उर्मिला जी। तो और इधर जो दूसरी सत्यवती थी और अरुणा आसफ अली, उस माहौल में हमने उस ढंग से लिंग की बात या कि फेमिनिज्म की बात नहीं सोची। और कमला देवी हमेशा बहुत चिढ़ के ये मुझसे कहती थी, डोंट टॉक टू मी अबाउट फेमिनिज्म, वी आर नॉट दोज काइंड ऑफ फेमिनिस्ट्स, दिस वेस्टर्न फेमिनिस्ट्स। लेकिन वही कमला देवी पिछला दरवाज़ा तोड़ के और थिएटर में गई, और बाल सरस्वती 1937 में मद्रास छोड़ के बनारस में उन्होंने पहली बार प्रदर्शन किया। रुक्मिणी देवी जो कि बैले सीखने जा रही थी आना पावल, उन्होंने मैं कहा कि तुम तो घर वापस जाओ, तो जो उन्होंने तब वो किया, शीला सैमसन वाली किताब में सब पढ़ा, हाँ हाँ ये सब कहा मैंने। और शांता राव जो कि बहुत समृद्ध परिवार से आती थी उन्होंने, और ये भी मैंने कहा है वीमेन इन इंडियन आर्ट्स कि दो तरह की इस देश ने और इस संस्कृति ने महिलाओं को जो गृहस्थ में उनका कार्य या योगदान था वो एक था, जो गृहस्थ से बाहर या उसके परिवेश से बाहर रही उनका बड़ा भारी योगदान था, और उनका अपना जो स्थान था वो एक, जिसको कि आज की भाषा में हम गणिका या विश्व वो नहीं जी। लेकिन इस समाज ने उस स्त्री का जो कि गृहस्थ में रहते हुए गृहस्थ से बाहर या गृहस्थ से बाहर रहकर योगदान दिया, उसको आदर दिया। सही है। और उसमें मैं आपको कितने किस्से सुना सकती हूँ, उधर जीवरत माला का, इधर सिद्धेश्वरी का, और ये सब। तो ये बाद में इसका एहसास हुआ कि इनका जो योगदान था, और वो एक फिर पश्चिम का फेमिनिज्म नहीं था जहाँ की हम पुरुष, ये तो मैं भी मानता हूँ कि ये अपना ही था, इसमें पश्चिम के असर से नहीं हुआ था, और ना ही हम पुरुष बनना चाहते थे। और ये तो अभी पिछले 8 साल पहले मैं सेंटा क्रूज में पढ़ा रही थी एज रीजेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पर एक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, हाउ कैन यू बी जस्ट अ वुमन एंड नॉट हैव अ कॉन्शियसनेस, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग एंड आई डोंट सी व्हाई आई हैव टू फाइट एंड वांट टू बी लाइक अ मैन सेपरेटेड लाइक दैट एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक अ मैन, आई एम जस्ट कैन यू वेरी कंफर्टेबल एट द एंड ऑफ द डे ऑल दोस फेमिनिस्ट आर कमिंग टू। तो हमारे यहाँ देर इज एन इनहेरेंट इन बिल्ट, और ये जो लड़ाई है ये लड़ाई इसमें बहुत सच है, और औरतों के साथ बहुत जाती होती है और फिटिसाइड और ये सब जो है इसके, लेकिन इस समाज ने, चाहे हम वसंत सेना की बात करें चाहे हम और मेनका की बात करें, इस समाज में उस स्त्री को जो कि गृह से बाहर होके भी अपनी अस्मिता को और बहुत नियंत्रण से और आदर से वो रख सकती थी, उसको स्थान दिया। कपिला जी, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सचमुच जानना चाहता हूँ। एक तो हमने संगीत की बात भी थोड़ी बहुत की है, नृत्य की तो काफ़ी की है, और वो आपका क्षेत्र भी रहा है विशेष रूप से। थिएटर की दुनिया में आपके भी बहुत काम काज है। सब सच्चाई तो यह है कि कोई क्षेत्र छूटा नहीं है, वो विलक्षण सी बात लगती है। आर्कियोलॉजी की भी चर्चा हुई, तो कोई भी
ह्यूमन एक्टिविटी एज सच का और आर्ट्स एज सच का कोई क्षेत्र आपसे छूटा नहीं है, पर थिएटर पर जो आपका कामकाज है, जैसे वो ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर वाली किताब है या और भी बहुत सारा कुछ है, तो ये थिएटर के साथ जो संबंध बना और बल्कि आपने बनवाया, मुझे ये बात कभी भूलती नहीं है कि एक बार निरंजन गोस्वामी का इंटरव्यू कर रहा था तो बार बार वो आपका जिक्र कर रहे थे कि मुझे तो कपिला जी ने बनाया, मैं तो विदेश जाना चाहता था जब आप मिनिस्ट्री में थे और वो स्कॉलरशिप के लिए भटक रहे थे, तो आपने उनको शायद कहा कि भाई विदेश क्यों, इटली क्यों, तुमने तो कथकली देखा है, तुम केरल गए हो। तो ये जो आपका स्वयं अपना काम काज, फिर आपने औरों को प्रेरित किया, थिएटर के बारे में कुछ बताइए कि उसकी तरफ आपका संक्षेप में ही सही। देखिए ये एक दूसरी दुनिया है और लेकिन अलग की दुनिया नहीं है। हाँ। थिएटर के साथ संबंध में तो थोड़ा सा बचपन से ही, और ये जो संस्कार ये इस सब के लिए श्रेय में अधिकतर माँ को जाता है, हमें बचपन से जी आज ये कर दो आज वो कर दो आज। पर पिता के बारे में भी आप कहती रहती हैं, उनका वो भी प्रेरक शक्ति रहे हैं। बहुत चरित्र में पिताजी ने जो मेरुदंड दिए और जिस तरह का उन्होंने हमें उस जमाने में कि जाना तो लड़कों के कॉलेज में चल जाओ, वो अपने आप तो सेंट स्टीवेंस के पढ़े हुए थे लेकिन, और आखिर अच्छन महाराज और ये लोग सब आते थे तो उस सब का कुछ इंजाम तो कोई कर रहा था ना। इतना सेल्फ फेसिंग आदमी मैंने नहीं जिंदगी में, और डीएवी स्कूल्स 35 डीएवी स्कूल्स के वो ऑनरी जनरल मैनेजर रहे 40 साल, कभी किसी से मुंह नहीं खोला उन्होंने। तो बचपन से ही हम लोग घर में भी नाटक कुछ करते थे और नाटक होते थे और इप्सन का डॉल्स हाउस भी घर में किया जाता था आदि आदि। तो इसमें परिवार के लोग जैसे केशव जी वगैरह भी शामिल होते थे, सब शामिल होते थे जी वो। और ये एक जब मैं देखती हूँ कि एक तरफ वो कश्मीर जब हम जाते थे तो बहुत बड़ा परिवार था, नाना के 7 भाई थे, वो सब वहाँ पर गर्मियों में तो सबको एक तो संध्या शाम की और बाकी कोई ना कोई नाटक जरूर करना होता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा उसमें कमला देवी जी का, क्योंकि आई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ थिएटर सेंटर इंडिया, वो एक म्यूरल वसी होती थी और तब यहाँ पर तो, और मुझे उन्होंने अपनी मेरी एक साइकिल और एक टाइपराइटर, तो कमला देवी ने कहा कि, और हीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के साथ भी था, और तो अपने आप तो ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, लेकिन क्योंकि रविन्द्रनाथ ठाकुर के वो देखे भी थे और माँ के कहने से नटिल पूजा नंदिता जी कृष्ण कृपलानी जी की बुरी वो, और फिर इंडियन नेशनल थिएटर तो ऐसा तो नहीं था कि थिएटर बिल्कुल अलग है जी। हाँ हाँ उनकी तो बात ही कहना भूल गई, पृथ्वीराज कपूर, वही मैं कहने वाला था। आपे घर में तो घर में पिताजी का बहुत ही दोस्ती थी, अच्छा दीवार और पठान और उसके लिए भी मैंने 8-8 आने इकट्ठे, कलकत्ते वाले घर में आते थे, कलकत्ते वाले वो भी आते थे, एक जगदीश सेठी होते थे डायरेक्टर, उनका तो संस्मरण लिखा है वासियां जी ने, हाँ तो जगदीश का लिखा होगा, तो वो पृथ्वीराज जी और ये सब आना, और राज कपूर के साथ बोटानिकल गार्डन जाते थे, वो रास्ते में जो कुछ खेल खाल करता, तो ऐसा नहीं है कि थिएटर कोई ऐसी दूर की चीज थी। और कलकत्ते में पिताजी हमेशा थिएटर में ले जाते थे जो भी होता था, वो याद है हरिश्चंद्र का पहला एक नाटक देखा था और एक ये सब, लेकिन अपने आप मैंने नाटक में ऐसे कोई भाग सिवाय इसके कि एक बार हिंदू कॉलेज में जहाँ की 13 लड़कियाँ थीं, हमने प्रोटेस्ट वगैरह में हमने कहा कि हम लड़कियाँ नाटक करेंगे, और कौन सा नाटक हमने चयन किया जी, जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, और परसों मुझे एक हिंदू कॉलेज वालों ने लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, तो लड़के लोग मेरे पास आए, अब तो मेरी उम्र के हैं, लेकिन कपिला जी आपको याद नहीं आपने मुझे रेवा का पार्ट दिया था उसमें, तो ये एमेच्योर थिएटर, लेकिन दिल्ली में थिएटर के नाम पर बहुत, पिताजी को सब याद था, पिताजी को पारसी थिएटर और सफ़ेद खून और अच्छा, वो सब पिताजी को याद। तो फिर कमला देवी के साथ जो थिएटर के साथ संबंध बना, ये ठीक है कि आज आपको एक सीक्रेट ये बताती हूँ कि अलकाजी को यहाँ लाने में अच्छा, थोड़ा सा दूर
पड़ेगा, क्योंकि अलकाजी को मैंने देखा था यूनिटी थिएटर में, और शीला जी का अलकाजी के साथ वो था, और जैसे तभी ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं था, वो था एशियन थिएटर इंस्टीट्यूट जी, हाँ, और वही कम मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी थी। सो उसमें और अलकाजी को लाने में जो हाथ था वो, क्योंकि शीला जी का बहुत ज़्यादा था और कम, तो जैसे बाकी का डांस वांस आने जाने का और ये वो, तो थिएटर को मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने थिएटर में भाग लिया या कुछ, लेकिन पर अध्ययन तो बहुत गहरा है आपका, थिएटर के साथ पढ़ी है। हाँ, लेकिन ये देखा खूब, उसको रमा, उसको देखा जाना, फिर ये समझ में आया कि ये सब जो हम डांस की बात करते हैं और लेखन की जो सेतु है, जो कि मैंने कहा है उसमें कि ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर और ये जो विधाएं है ये सेतु बनाती हैं जी। अच्छा कपिले जी, थोड़े बहुत नाम आए जरूर साहित्य की दुनिया के भी, पर एक वो भी तो क्षेत्र रहा है आपका, जिसमें दिल्ली में ही देखें तो जैनेन्द्र जी थे ही, वासयान जी तो थे ही, और बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे, फिर बनारस में, और आप एक दिन बता रही थी कि अब तो रविन्द्रनाथ ठाकुर की गोदें बैठ चुकी हैं, तो ये साहित्य की दुनिया का जो संपर्क रहा, बनारसीदास जी की बात आप करती ही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि वही बात है, फिर हम आ जाएंगे बात ये कलकत्ते और कश्मीर वाली, क्योंकि हर साल कलकत्ते से कश्मीर जाना, कश्मीर का घर ऐसे था कि वो तीन बड़े बड़े मकान श्रीनगर अभी भी हैं, और मेरी नानी ने एक लड़कियों का स्कूल शुरू किया था, उसकी कहानी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो माँ के लिए वो जाती थी एक क्रिश्चियन स्कूल में, तो उन्होंने कहा गया कि तुम कन्वर्ट हो जाए, तो वो वापस आ गई और नानी से कहा, मेरी नानी कवित्री भी थी, तो वो हिंदी किस में, हिंदी में लिखती थी, कश्मीरी में, हिंदी में और कश्मीरी, सो लेकिन कुछ है नहीं लड़की, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ, और तो मैंने माँ के मुँह से सब, और लेकिन वो स्कूल तो अभी तक, तो उन्होंने फिर मेरे नाना नुकबर उन्होंने कहा कि अगले तीन चार हफ्ते घर में खाना नहीं बनेगा, आप अपना इंतजाम कर लो। उन चार हफ्तों में उन्होंने सब औरतों को मोबिलाइज किया, और एक स्कूल की स्थापना की जो कि डिनोमिनेशन नहीं होगा, और उसको आज भी वो स्थापित है, देवकी कन्या विद्यालय कहलाता है, वजीरबाग में है, और उसमें हम लोग और कलकत्ते से आते थे, तो पहली चीज़ ये कि स्कूल में जाके पढ़ाओ, और वो देवकी पाठशाला जो था उसमें गतका भी सिखाया जाता था, उसमें थिएटर भी सिखाया जाता था, उसमें गाना भी सिखाया जाता था, उसमें संध्या भी, और वो अभी तक उसको बीच में जल भी गया, और माँ का और, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि फिर वो जो घर था वहाँ कोई दुनिया का लेखक नहीं या पॉलिटिशियन नहीं जो कि आके नहीं रहता था श्रीनगर में, चाहे वो बनारसीदास चतुर्वेदी जी तो इतना नहीं, लेकिन देवेंद्र सिद्धार्थी हों, बलराज सानी हों, मुल्क राज आनंद हों, सब आते थे, सब वहीं रहते थे, हैं, और वहीं कभी पहलगाम जा रहे हैं, कभी घोड़े पर चल रहे हैं, कभी भीष्म सानी अपना वो कर रहे हैं, कभी बलराज जी कर रहे हैं, तो सब उसी माहौल में होता था, उसमें थिएटर भी होता था, सब कुछ होता था, उसी में पॉलिटिशियंस भी आते थे, वहीं पंडित जी भी आए, आदि आदि, और वही जो संसार था वो कलकत्ते के घर में एक तरफ से, क्योंकि वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी आए, वहीं चंद्रगुप्त जी आए, चंद्रगुप्त जी का तो क्योंकि पहली पत्नी मेरी मौसी थी, और आपने बताया कि वासयान जी भी आते ही थे जब असम से, वासयान जी जब जेल से छूटे और तभी तो नजरबंद थे, वासयान जी भी वहीं उसी सेंट्रल, उन्होंने उसके बारे में कुछ लिखा भी है, और जैनेन्द्र जी के साथ, और 7 नंबर दरियागंज बहुत सख्त साहित्यिक केंद्र था जी, जी। और जैनेन्द्र जी और अना जी के कारण वो पहला साथ, हाँ, और जो उनका वो ऊपर का 7 नंबर 7, और सामने रहते थे विमल और नीचे रहते थे राम सिंह, बनारसीदास चतुर्वेदी जो, और उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है महापुरुषों की, एक तरफ गणेश विद्यार्थी के लिए जो उनका आग्रह था, फिर जब ये थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में कोई रूसी, और एक ही चीज़ प्रयाग जी जो ये पीढ़ी नहीं समझती है,
जो रूस के प्रति एक इतना आकर्षण उस समय जमाने में था ना, और हमको अन्ना करेनिना पढ़ाई गई ये सब, ये और ये चतुर्वेदी जी ने कहा तुर्ग अच्छा, रूसी साहित्य के सब तुर्ग ने पढ़ो, एक तरफ शरदचंद्र पढ़ो, दूसरी तरफ तुर्ग ने और चेखव का चेरी ऑर्चिड जाने कितनी बार घर में किया होगा। वो तो हम लोग की पीढ़ी तक भी रहा, पर आप लोग के समय तो और ज्यादा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद और लेकिन उसमें वो सब नहीं था कि दिस इज लेफ्टिस्ट दिस इज राइटिस्ट, पढ़ रहे थे पेरिस का कुबरा भी पढ़ रहे थे, ये अन्ना करेनिना भी पढ़ रहे थे, फादर एंड सन्स भी पढ़ रहे थे, फादर एंड सन्स ठीक, वी गॉट ओवर इट। उसके साथ मिस्टर टॉमस हार्डी को भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये डिकिन्स और थैकरे को सोच रहे थे कि ये लोग तो ऐसे ही है। तो इतना विस्तृत एक वो क्या कहना चाहिए जो जिसमें कि कोई बंधन नहीं थे, और भारतीय वो भी पढ़ रहे थे, प्रेमचंद जी का जो निकल रहा था वो भी पढ़ रहे थे, घर में कभी निराला पोइट्री पढ़ रहे हैं, कभी पंछी पढ़ रहे हैं, कभी बच्चन जी आके रह रहे हैं, और पिताजी की मैम क्या बात, उन्होंने सबके नाम डाल रखे थे, तो होते ही फिर परिवार, और सबके साथ उनका वो था, अच्छा आप झोले वाले आए हो कितने, मतलब से तैयार थी, झोले वाले आए हो कि कौन सा गाना अब मुझे सारी रात सुनना पड़ेगा। तो एक ढंग से एक दूसरी तरह का एक वातावरण जिसमें कि बाहर का आग्रह या कि प्रदर्शन का या कि ये कि जी ये बैठ के कुछ करना है, वो उसका कोई आग्रह ही तो नहीं था। निश्चय आपके माता पिता दोनों ही विलक्षण थे इस मामले में कि इतने सब लोगों को एक तरह से क्या कहें उनका उनको उनको एक तरह का वास्तविक साथ देना हर मामले में तो वो तो दिखाई पड़ता है। I mean, मैं बता नहीं सकती हूँ प्रयाग जी 42 में जैसे और इतने वो ये सब था कि एक तरफ जो लोग कह रहे थे कि एलाइज का और दूसरी तरफ जो एक्सिस पार्ट्स और उसी में इतना और सब उसी छत में अभी जो कनॉट प्लेस वाला घर है कहीं रॉयस सुपर रह रहे हैं, जोशी पीसी जोशी दूसरे कमरे में रह रहे हैं, अरुणा जी रात को आ रही हैं और सुबह निकल जा रही हैं, विश्वम्बरनाथ पांडे वहां पर हैं, केसकर वहां पर हैं, और सुंदरलाल जी एब्सकॉन्ड कर रहे थे वो पगड़ी पहन के कभी आ रहे हैं। तो अगर उस बचपन के बाद और उस तरह की शिक्षा और उधर हम कॉलेज में भी जा रहे हैं और सर मॉरिस के साथ भी, अगर वो आपको चरित्र नहीं देगा तो क्या देगा आप? सही है। अच्छा कपिला जी एक चीज और मैं समझता हूँ वो इसलिए भी जरूरी है कि एक तो जो भरत का नाट्य शास्त्र है इस ये सभी कलाओं में कहीं न कहीं के प्रयोग में आज तक भी काम आता है और उस पर आपने इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, उसके बारे में उसकी प्रासंगिकता आप किस रूप में आज भी देखते हो, बहुत संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो? प्रयाग जी ये जितना सरल उतना ही जटिल प्रश्न है, क्योंकि भरत जो भी थे वो मुनि थे, ऋषि थे, लेखक थे, जिस समग्रता से उन्होंने जिसको कि हम नाट्य कहते हैं दृष्टिपात की है शायद कहीं और नहीं हो। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो पहला अध्ययन था वो एरिस्टॉटल के पोएटिक्स पर था, फिर हम वृत्त बन के फिर वहीं वापस आते, नाट्यशास्त्र पर कुछ पढ़ा था, एसके डे की कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री में, लेकिन लेकिन एरिस्टोटेलियन पोइटिक्स पर अधिकार था वो मैंने पढ़ाया भी है बहुत। लेकिन जब दृष्टि में परिवर्तन आया तो न जाने जिधर से भी देखूं, प्रयोग से देखूं या शास्त्र से देखूं, तो ये समझ में आता था कि नाट्यशास्त्र तो उसका एकदम केंद्र बिंदु है जी। और गीत गोविंद तो एक छोटी सी गुटिका है जिसका कि इतना विस्तार है, ये तो वैसे ही इतना भंडार है कि उसका छोर, लेकिन जो इतने वर्षों का मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन और ज्ञान तो इतने प्रकांड पंडित रहे हैं और मैं क्या चीज़ हूँ, और इधर समकालीन में जिन लोगों का काम उधर पश्चिम में जो नाट्यशास्त्र पर काम हुआ और उसका इतिहास भी लिखा गया है, यहाँ पर
डॉक्टर मनमोहन घोष की तो बात छोड़ दीजिए, रामकृष्ण कवि की बात छोड़ दीजिए, गणपति शास्त्री की बात छोड़ दीजिए, राघवन कमलेश जी का काम बहुत महत्वपूर्ण है, भरत गुप्त का अपनी तरफ से, और बहुत से, और कमलेश त्रिपाठी जी, हाँ कमलेश त्रिपाठी जी बनारस बहुत उनका गहरा, क्योंकि उन्होंने अभी नेवाड़ी, फिर नेवाड़ी पर हम वापस आते हैं, नेवाड़ी नाट्यशास्त्र को अभी एडिट किया मैं उनके पीछे, आप तो मध्य प्रदेश से, वो तब से शुरू हो रहा है, 20 साल के बाद ये समाप्त हुआ। तो नाट्यशास्त्र की जो जिस ढंग से वो समग्र दृष्टि से पूरे जिसको कि हम नाट्य के संसार को या कि उसके विश्व को देखते हैं, इस दृष्टि से नहीं किसी ने, और इसीलिए वो भारतीय जिसको कि नगेंद्र जी ने सौंदर्य शास्त्र कहा है, और नगेंद्र जी से बहुत अच्छा संपर्क रहा है मेरा, मैंने कहा कि न जाने हम इसका हिंदीकरण सौंदर्य शास्त्र क्यों करते हैं, उसमें भी थोड़ी सी चिंतन की आवश्यकता है, लेकिन नाट्यशास्त्र शुरू से लेकर और आखिर तक, और मैंने जो प्रस्तुत करने की चेष्टा की है कि जो इससे पहले उसके ऊपर जितना भी आलोचना हुई या समालोचना हुई, बहुत से लोगों ने माना कि वो एक ग्रंथ नहीं है जी। वो एक अलग अलग तरह की है, जैसे कंपाइलेशन, और लोगों ने ये उसके जो छठा और सातवां रस शास्त्र के ऊपर, जिससे कि अलंकार शास्त्र का आरंभ होता है, उस पर बात की है, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसकी समग्रता को जी संजोने की चाह, और मेरी जो चेष्टा हुई और कई चीज़ें रिलेट करने रिलेट करके, और ये कि मैंने जो कहा है कि वो कि चैप्टर 1 से लेकर 36 तक इट इज़ ए कंटिन्यूस होल, एंड उसमें कोई ब्रेक नहीं है, जो बात वो पहले अध्याय में शुरू करता है उसी का निष्कर्ष आया कि उसको वो 36 चैप्टर में, और उसके अलग अलग हर अध्याय का एक अपना स्थान है, लेकिन उसको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो मैंने मेरी जो छोटी सी साहित्य अकेडमी वाली पुस्तक है उसमें मैंने उस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने की चेष्टा की है। कपिला जी, इतना समय हमने आपका लिया है और इतना अच्छा लगा है कि मैं क्या बताऊं। आप कपिला जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।